थूकता है भारत तेरे ऊपर भी, तेरे चैनल पर भी, तेरी सोच पर भी, क्योंकि जिस तरह ये चैनल में बैठकर नफरतें फैलाता है और आपने देखा किस तरह इसने डिवाइड करा, किस तरह इसने पूरे भारत को 2-3 गुटों में बांट दिया है। और अब जब इसकी चैट लीक हो गई है तो क्या मैं ही आपके चैनल से पूछती हूँ क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी, क्या ये सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई करेगा, क्या ये गोबर भक्त भी इस पर कोई कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आप मोदी जी के लिए भौंके हैं, कुत्ता बने, कोई हमारे पे मैटर नहीं है। लेकिन आपको याद हो कंगना रनौत जो एक डिजिटल तवायफ हैं, उन्होंने अभी बिगनी में उनका एक फोटो शूट हुआ था और काफी हलचल मची थी, तो उस पर भी उन्होंने कहा था कि नहीं मैं तो माता भैरवी हूँ, तो वहां पर भक्तों को एतराज नहीं हुआ। वहां पर कपिल मिश्रा जैसा आतंकी आतंकवादी जो खुद एक बदनाम चेहरा है और इंटरनेशनल बदनाम है, जिसके बारे में फेसबुक के जो CEO है उन्होंने भी, मार्क जकरबर्ग ने भी कहा था कि भारत में अगर कोई आतंकवादी है या तो कपिल मिश्रा है जिसने दिल्ली दंगे भड़कवाए थे, या राजनीति तिवारी है, ठीक है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली बात है, ये भी कह रहा है कि भाई हिंदू मुसलमान होगा तो तू जो दिल्ली दंगे करवाने की तू जो भाषण दे रहा था, वो तू जो ज्ञान पेल रहा था, तू जो नफरतें पेल रहा था, फिर वो क्या था, वो तू नहीं था जो तू कह रहा था मुल्लाओं को काटो और सड़कें खाली करवाएंगे और तू धमकियां दे रहा था। तो ये इनकी घटिया पॉलिटिक्स है, ये सिर्फ इस तरह के मुस्लिम नेम को टारगेट करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी नेशन्स वॉइस। हमारे साथ हैं जो चर्चित हस्ती हैं एमन रिजवी, सोशल एक्टिविस्ट हैं और लगातार समाज के जागरूक करने के लिए बातें अपनी बताती रहती हैं और मुद्दों को उठाती रहती हैं। एमन जी, आपसे पहला मेरा सवाल है, जो मतलब चर्चित मुद्दा है कि जो हाल ही में एक सीरीज आई है तांडव के नाम से, उसमें सैफ अली खान और जिशान अयूब मतलब एक्टिंग कर रहे हैं और डायरेक्टर हैं उसके अली अब्बास जफर, उनको लेकर आजकल माहौल थोड़ा गर्म है क्योंकि उसको धर्म से जोड़ के देखा गया है। उसमें कपिल मिश्रा ने भी अपना बयान दिया है और भी एक BJP के नेता हैं, वो भी उससे खिंचाए हुए हैं कि ऐसे लोग मुसलमान लोग जो हैं वो हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं या उसको धूमिल करने की कोशिश करते हैं उसके हिंदू देवी देवताओं के नामों को। क्या कहना चाहती हैं आप इस बारे में? पहली बात तो ये कि वो एक फिल्म है, उसको फिल्म की तरह देखें, और मैंने उसका ट्रेलर भी देखा है, मुझे तो खैर इतना खास उसमें कुछ लगा नहीं। मेन बात ये है कि इस वक्त ये सारे के सारे आप जिस तरह देखो कि एक नफरतों का इन्होंने कारोबार कर रखा है। तो पहले किसान मूवमेंट को ख़त्म करना चाहते थे, नहीं हो पाया, तो मतलब किसी न किसी तरह ये समाज में अराजकता फैलाना चाहते हैं, जितने भी ये गोबर भक्त है, ये जितना भी RSS का IT सेल है, क्योंकि उसमें सैफ अली खान है, क्योंकि उसमें वो जिशान है, तो इसलिए इनको ये सारा टैग कर रहे हैं कि नहीं भाई ऐसे क्यों हैं। अगर आप पीछे जाकर देखें तो ये जो अक्षय कुमार थे, इन्होंने मूवी करी थी, उसमें रोल करा था, इन्होंने OMG मूवी आई थी इसमें इन्होंने भगवान का रोल प्ले करा था और अच्छी खासी इन्होंने इंसल्ट करी थी भगवान की, पैंट सूट में थे ये और उसमें परेश रावल थे। परेश रावल क्योंकि RSS के आदमी हैं तो इसलिए उस फिल्म पर कोई आपत्ति नहीं दिखाई गई थी। लेकिन इस मूवी से इनको इशू इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें एक अवेयर भी दिखाया गया, उसमें सारे मुद्दे दिखाए गए। मैं अभी सोशल मीडिया पर देख रही थी, कह रहे थे टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये मूवी जो बनाई है वो JNU वालों ने बनाई है और वो आज़ादी मांग रहे हैं। मतलब इन्होंने आज़ादी को तो टैग कर रहे हैं लेकिन आज़ादी किस चीज़ से मांग रहे हैं? भुखमरी से मांग रहे हैं, नफरतों से मांग रहे हैं, अपने हकूक के लिए आज़ादी मांग रहे हैं? तो क्या भूख से आज़ादी मांगना भारतीयों का इख्तियार नहीं है? तो ये सारा का सारा माइंड डाइवर्ट करने के लिए करते हैं। और जैसे अगर आपको याद हो कंगना रनौत जो एक डिजिटल तवायफ हैं, उन्होंने अभी बिगनी में उनका एक फोटो शूट हुआ था और काफ़ी हलचल मची थी, तो उस पर भी उन्होंने कहा था कि नहीं मैं तो माता भैरवी हूं, तो वहां पर भक्तों को एतराज नहीं हुआ। वहां पर कपिल मिश्रा जैसा आतंकी आतंकवादी जो खुद एक बदनाम चेहरा है और इंटरनेशनल बदनाम है, जिसके बारे में फेसबुक के जो CEO है उन्होंने भी, मार्क जकरबर्ग ने भी कहा था कि भारत में अगर कोई आतंकवादी है या तो कपिल मिश्रा है जिसने दिल्ली दंगे भड़कवाए थे, या राजनीति तिवारी है। तो ये भी देखो कि मतलब ये कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली बात है, ये भी कह रहा है कि भाई हिंदू मुसलमान होगा, तो तू जो दिल्ली दंगे करवाने की तू जो भाषण दे रहा था, वो तू जो ज्ञान पेल रहा था, तू जो नफरतें पेल रहा था, फिर वो क्या था, वो तू नहीं था जो तू कह रहा था मुल्लाओं को काटो और सड़कें खाली करवाएंगे और तू धमकियां दे रहा था? तो ये इनकी घटिया पॉलिटिक्स है, ये सिर्फ इस तरह के मुस्लिम नेम को टारगेट करते हैं। और अगर आप सैफ अली खान को जानते हो तो सैफ अली खान की बीवियां देखिए, दोनों मतलब उसकी जो बीवियां हैं दोनों की दोनों ब्राह्मणी थी, तो तुम्हारी भी बहनें उसके घर में वो तुम्हें नजर नहीं आए, लेकिन सैफ अली खान क्योंकि मुसलमान है ना, नाम वाइज मुसलमान है। सैफ अली खान की माँ को देखिए, शर्मिला टैगोर, वो भी ब्राह्मणी है, उन्होंने भी नवाब पटौदी से शादी करी थी, तो शादी करने के लिए तो इनको मुसलमान लड़के नजर आते हैं क्योंकि इनको पता है कि वफादारी का दूसरा नाम मुसलमान, ईमानदारी का दूसरा नाम मुसलमान। और फिर जब तुम्हारी बहनें तुमसे सिक्योर नहीं हो रही थी, तुम लव जिहाद कर रहे हो, तो सबसे पहले तो करीना को तुम निकाल कर लेकर जाओ, यानी करीना उससे शादी करती है तो इनको इशू नहीं है। लेकिन जैसे ही उनका बेटा डिलीवर होता है, बेटा पैदा होता है, उसका नाम तैमूर रख देते हैं, तो तमाम भाजपाइयों के, तमाम RSS के नागपुर पर इन जाफरानी गुंडों पे लेबर पेन होने शुरू हो जाते हैं, अटैक होने शुरू हो जाते हैं कि इसने अपना
का नाम बेटे का नाम तैमूर रखा। यानी इतने बुरे हालात आ गए हैं भारत के कि यहाँ पर अपने बच्चे का नामकरण करने के लिए भी आपको नागपुर से सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, वहाँ से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे का क्या नाम रखें। तो ये सारे इनके ड्रामेबाजी चल रही है, इनको पता है कि हम मुद्दा भड़का नहीं सकते। अभी हम नाकाम है देश में राजनीति को जो एक रंग दे रहे हैं हिंदू मुस्लिम का। अभी आपने बुलंदशहर में भी देखा कि वहाँ पर किस तरह रैली करी गई, क्योंकि सन 2022 में वहाँ चुनाव, तो हिंदू हिंदू हिंदुस्तान मुल्लो भागो पाकिस्तान। तो ये एक तरह का नफरत का कारोबार करे और इस तरह इनकी जो एक एक्टिविटी चलती रहती है वो करते रहते हैं। अब इन्हें कुछ नहीं मिला तो इनको तांडव मूवी मिली है जिसको ये टैग कर रहे हैं। एक और मुद्दा है देश में इस वक्त जो बेहद चर्चित है, अर्णब गोस्वामी का नाम आपने सुना होगा, पूछता है भारत करके वो एक प्रोग्राम करते हैं, और उसी के जरिए जो पुलवामा अटैक हुआ था उस दौरान की उनकी एक चैट वायरल हुई है, जिसमें वो मतलब उस पुलवामा अटैक को जिसमें भारत के कई सारे जवान शहीद हुए थे और एक तरह से आतंकी हमला था, तो उसको उन्होंने अपना मतलब इवेंट के रूप में करार दिया है कि उत्सव के तरीके से उसमें है। उस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं, जबकि वो खुद को बहुत बड़ा देशभक्त बताते हैं। भाई वो जो चैट रिलीज हुई है वो चैट मैंने और आपने तो नहीं उसको लीक करा, वो चैट भी जो करी है महाराष्ट्र सरकार ने करी, और महाराष्ट्र सरकार क्यों मजबूर हुई ये भी आपको और बताने की जरूरत नहीं, किस तरह ये महाराष्ट्र सरकार को गिराने के लिए चैनल चला रहा था और किस तरह ये सुशांत सिंह की खुदकुशी को महाराष्ट्र के लिए कत्ल कर रहा था, वो महाराष्ट्र ने 2-3 दिन पहले करी है। और उसमें आप देखिए उसमें साफ लीक में लिखा हुआ है कि हम पुलवामा अटैक करवा रहे हैं और मैं सबसे पहले वहां लाइव करूंगा, मतलब लाइव करने के लिए भी वहां पर खड़ा हुआ था। और किस तरह से एक टीआरपी का स्कैम करा था, उसमें जेल भी जा चुका है, एक कत्ल के इल्जाम में भी इसने जा चुका। तो मतलब ये क्योंकि अर्णब गोस्वामी जो है मोदी जी का पालतू कुत्ता है, वहां तक तो हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं कि मोदी जी का तू पालतू कुत्ता है, तू भौंकता है भारत, तू करता रहे कुछ भी करता रहे। और इसका जैसे आप प्रोग्राम देखते थे पूछता है भारत, तो मैं तो मेरे ख्याल से 4-5 महीने पहले ही इस पे बना चुकी थी कि थूकता है भारत तेरे ऊपर भी, तेरे चैनल पर भी, तेरी सोच पर भी, क्योंकि जिस तरह ये चैनल में बैठकर नफरतें फैलाता है और आपने देखा किस तरह से डिवाइड करा, किस तरह इसने पूरे भारत को 2-3 गुटों में बांट दिया है। और अब जब इसकी चैट लीक हो गई है तो क्या मैं ही आपके चैनल से पूछती हूँ क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी, क्या ये सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई करेगा, क्या ये गोबर भक्त भी इस पर कोई कार्रवाई करेंगे? क्योंकि आप मोदी जी के लिए भौंके कुत्ता बने कोई हमारे पे मैटर नहीं है, लेकिन आप देश की सुरक्षा को खत्म करें, आप एक पुलवामा अटैक में आप शामिल हो, आप उसके मास्टर माइंड हो और आप पीएमओ से डायरेक्ट रबते में हो, तो ये तो पक्का वाला आतंकवादी, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं होगी अगर यही वाली चैट मजाक में भी कोई उर्दू नेम कोई मुसलमान अब्दुल रहीम कुछ कर रहे होते और आपस में मजाक की चैट चल रही होती, कहीं कहीं तक इसका दूर दूर तक भी हकीकत से वास्ता ना होता, तो आप यकीन करिए इस चैट के आधार पर उसका पूरे खानदान को ये जेल में डाल देते, देशद्रोही बता देते, उसके तार पाकिस्तान से, ईरान से, टर्की से, पता नहीं कहां कहां से जोड़ देते। लेकिन यहां खुले सबूत हैं, खुली उसकी पूरे प्रूफ हैं, और जिससे बात कर रहा है वो किसी आम बंदे से भी नहीं कर रहा, वो पार्थो दास गुप्ता से बात कर रहा है जो बार काउंसलर के सीईओ रहे हैं, है ना? तो मतलब उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इस तरह के जो इनके ड्रामे, सिर्फ ये एक तरह का जो ये नफरतें फैला रहे हैं, सिर्फ ये हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, ये भारत को हिंदू मुसलमान करके गायें गोबर पे इनकी पॉलिटिक्स चलती है। और अभी आपने कपिल मिश्रा को देखा, कपिल मिश्रा ने कहा कि दलितों की बेइज्जती करी, यानी अगर वहां उस फिल्म में ये कह रहे हैं कि भूखमरी से आजादी, तो ये कहना चाह रहा है कपिल मिश्रा कि नहीं, भूख पे जो कॉपीराइट है वो दलितों का है, उनको भूखा ही मरना चाहिए। भाई गरीब मुफलिसी से आजादी क्यों नहीं मांग सकते, भूखमरी से हम आजादी क्यों नहीं मांग सकते, यहां दलितों की बेइज्जती कहां से आ गई?